So I have spent almost a month in Goa with my friends and explored a lot of unknown places, which I will be showing you in this travel series. And here is just a glimpse. A strange time is going on, but the best thing is you can work from anywhere. And I always wanted to try out this thing, you know, work and travel at the same time. So guess what? I decided to come to Goa and explore in a different way, like people usually don't do. And I hope you'll enjoy this series. Good morning, everybody. My name is Ankit Bhari and welcome back to the channel. I am in Goa right now and the plan today is to go out somewhere. This is my first day and it was raining in the morning, but now I think it's fine. So we're planning to go out and let's see what we will do. So let me quickly show you the property before we go out. That's the property and I'll be living here for a month. Okay, let's go out. काफ़ी देर से हम ढूंढ रहे हैं कि खाने की जगह मिल जाएगा। अभी हम अरम्बोल बीच पे गए, अभी हम वापस आ रहे हैं यहाँ पे एश्रम बीच पे, कोई नाइस लोकेशन मिल जाए खाने की, बट अभी तक मिली नहीं है। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड इट आउट एंड देन वी कैन एक्सप्लोर लॉट ऑफ प्लेसेस नियर बाय। और आज मौसम एकदम खुल गया है ना, सुबह बहुत बारिश हो रही थी, लाइक वी थॉट कि हम जा ही नहीं पाएंगे। नाउ इट्स क्लियर। अभी हम यहाँ पे प्राडा कैफे आए थे, वो भी बंद है। मोस्ट ऑफ द लोकेशंस आर क्लोज, यानी अगर आप यहाँ पे खाने का ढूंढ रहे हो अच्छी लोकेशंस पे तो मोस्टली क्लोज ही होगी। और यहाँ पे अभी हम अश्विन बीच पे रुके हैं, अपने एक फ्रेंड का वेट कर रहे हैं, वो स्कूटी से थोड़ा सा पीछे रह गया। एंड वी हैव टू फाइंड नाइस लोकेशन टू ईट बिकॉज बहुत भूख लग रही है अभी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अभी कुछ मिला नहीं है तो फिलहाल ये केले से काम चलाना पड़ रहा है। अभी आगे जाके हम एक और जगह ढूंढेंगे, हमारा फ्रेंड अभी तक आया नहीं है। सो ब्रो, यार क्या सोया हूँ मैं अच्छे से, मतलब इतनी सही नींद आई है ना अभी। वेदर काफी सही, अभी इतनी गर्मी नहीं लग रही है, लाइक थोड़ी गर्मी है, थोड़ी सी है, थोड़ी सी है, थोड़ी और बढ़ेगी भाई। बीच पे है यार, बीच वाइज ब्रो, हवा तो चल ही रही है और क्या। मैंने सोचा नीचे उतर जाता हूँ, थोड़ा सा वॉक कर लेता हूँ, बिकॉज अभी मौसम जो है वो अच्छा हो चुका है। तो ये है एश्विन बीच, काफी खाली है अभी तो, बेसिकली कोई लोग नहीं। और आई गेस जो भी लोग आते हैं गोवा में, इतनी नॉर्थ में तो नहीं आते होंगे आई गेस। अरम्बोल और अश्विन बहुत ज़्यादा नॉर्थ में पड़ते हैं, तो अगर आप आ रहे हो लाइक आपको थोड़ा पीस चाहिए, इधर यू कैन गो टू साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा में, बिल्कुल नॉर्थ में आ जाओ। फिर
ओके गाइस, फाइनली हमें एक लोकेशन मिली है जो कि ओपन है। तो अभी खाना खाने के बाद और थोड़ा सा ड्राइव करने के बाद अभी हम मोरजम बीच पे पहुंच गए हैं। आई गेस बीच से एक रास्ता आता है, यहाँ से हम निकल के आए थे अभी किसी रिजॉर्ट से, और आई गेस थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो पूरा ये मोरजम बीच है। सी फिलहाल तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, हम ही हैं सिर्फ। इतने टाइम बाद में से इट फील्स गुड। ऑब्वियसली यहाँ पे सनसेट पे आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लाइक आई रिमेंबर व्हेन आई केम लास्ट टाइम, सनसेट टाइम पे आए थे, बहुत बहुत मस्त लग रहा था। बट वी हैव टू गो टू सम अदर पॉइंट, इसलिए हम यहाँ पे अभी आ गए। ये हमने एक्सट्रीम नॉर्थ से स्टार्ट किया, लाइक अनंबोल साइड से आते हुए अश्विम एंड देन दिस मोरजम, एंड इससे आगे जाएंगे तो वैगाटोर भी आता है, बट आई एम श्योर नहीं अभी। सो ऐसे जाते जाएंगे, वैगाटोर आएगा, फिर आगे अंजुना आएगा, फिर बाघा आएगा, ऐसे नॉर्थ में सारे बीच आते हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन ट्राई टू कवर ऑल दीज बीचेस। पहले घर पहुंचे थे, फिर मैंने पूछा सबसे कोई सनसेट पॉइंट पे चल रहा है कि नहीं चल रहा, बट सब चिल मूड में थे तो कोई जाना नहीं चाह रहा था। बट मेरा बहुत मन था सनसेट जाने का, क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट सनसेट इन गोवा, तो मैं चाह रहा था कि मैं किसी बीच पे जाऊं यहाँ पे। तो अभी उसी के लिए मैं ऐसे स्कूटी पे निकल रहा हूँ यहाँ से। या ये प्लान है अभी खुद से जाने का। लेट्स गो। गलत जगह पे पहुंच गया, अब फिर से मैं 7-8 किलोमीटर जाना है मुझे वापस। आ या सो आई मिस द सनसेट बिकॉज आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गो टू फार, माय बैड, आई शुड हैव गोन टू अ नियर बाय प्लेस। नो प्रॉब्लम, आई हैव एन अमेजिंग लोकेशन इन माइंड टू गो फॉर सनसेट, which I will be showing you in the next episode. So till then, stay tuned and hit the like button and comment on the video. Let me know how was it. बहुत मेहनत लगती है यार एक वीडियो को बनाने में, और सब्सक्राइब कर देना for future videos. And with that said, guys, I'll see you next time. Till then, take care. Bye bye. धन्यवाद.